आइए बच्चों, अब हम जो यह पाठ है मात्रा, इसका अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह है प्रश्न के मात्रा किसे कहते हैं। अब यह है मात्रा की परिभाषा पूछ रहे हैं कि मात्रा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अब मात्रा किसे कहते हैं, जो व्यंजन के साथ हमारे स्वर का चिन्ह लगता है, यानी कि स्वर को उसी तरह से ना लगाकर उसका कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, उसे ही मात्रा कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आम। आम जो यह शब्द है आम, आम में यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है। वैसे तो अ से अनार, बड़े आ से आम, आ है ये वही, लेकिन ये जो है आ की मात्रा, यह इसे आम यानी के पूरा हमारा शब्द बनाती है। इसके बाद अगला जो हमारा शब्द है वह है किरण। किरण जो यह किरण है, किरण शब्द में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई का चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम क ई र न लिखेंगे तो यह जो हमारा शब्द है यह क्या गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह ना तो देखने में अच्छा लग रहा है और यह व्यंजन जो ये हमारा शब्द है यह व्याकरण के तरीके से हिसाब से गलत भी है। इसके बाद है केला। जो हमारा केला शब्द है इसमें ए की मात्रा लगी हुई है, छोटी ए की मात्रा लगी हुई है, तो यह अपना केला, इसे क के ला ऐसे नहीं लिख सकते, यह भी गलत हो जाएगा, इसे इसी प्रकार लिखेंगे केला। इसके बाद ऐसे ही सीता का उदाहरण दिया गया है, जो यह सीता में मात्रा लगी हुई है यह है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा जैसे आपको पहले ही बताया गया था, बड़ी की मात्रा जो होती है वह व्यंजन के पीछे से लगती है, व्यंजन के पीछे से लगती है तथा यह ई की अधिक आवाज निकालती है, जैसे सीता सीता, तो जैसे ई की आवाज अधिक होती है, ज्यादा जोर डालकर बोली जाती है, उसी से हमें समझ में आता है यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी। इसके बाद है सैर। शब्द में हमारे बड़े की मात्रा लगी हुई है, जो बड़ी ए की मात्रा होती है उसमें हम दो बार इस प्रकार घुमा के चिन्ह बनाते हैं, तो यह क्या बन जाता है बड़ी ए की मात्रा बन जाती है। तो इसी प्रकार बहुत से उदाहरण हैं जो मात्रा के हम उसमें उदाहरण में ले सकते हैं, मात्रा के उदाहरण में हम इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिनमें भी मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न दो, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। अब यह हमारे सही गलत वाले प्रश्न आ गया है, इसमें हमें वाक्यों को देखना है तथा यह जानना है कि यह सही है या गलत है। आइए जानते हैं। पहला जो हमारा वाक्य है, तो व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लगती है। तो बच्चों जैसे आप अपने पूर्व ज्ञान को दोहराइए, हमने पढ़ा भी है कि व्यंजन के साथ ही, जैसे कि परिभाषा में दिया गया है व्यंजन के साथ स्वर का चिन्ह लगता है, इसी प्रकार इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चिन्ह जो है वो मात्रा ही तो होती है, तो ये वही कह रहा है कि व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लगती है, तो यह जो हमारा वाक्य है वह बिल्कुल सही है। इसके बाद ख वाक्य आया, अ स्वर का भी मात्रा होती है, अस्वर की भी मात्रा होती है, नहीं अस्वर की मात्रा नहीं होती, अ जो है स्वर यह ऐसा ही रहता है, आ स्वर की मात्रा होती है, आ की, देखिए आ होता है तो उसमें जो यह मात्रा होती है इस प्रकार की मात्रा बनती है, सबसे पहले जो हमारी मात्रा होती है, जो यह अ की मात्रा होती है यह कोई मात्रा ही नहीं होती स्वर की, इसलिए यह वाक्य हमारा गलत है। अब हमारा वाक्य आ गया ग। ग में है री की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है, तो बच्चों यह तो बहुत अच्छे से आपको समझाया गया था कि जो री की मात्रा होती है वह हमेशा ही व्यंजन के पैर में लगती है, और
जैसे यह गोला है, ठीक है, क्योंकि जो यह मात्र होती है वो यह रह की आवाज देती है और यह मेंढक के पैर में लगती है, तो यह जो हमारा वाक्य हुआ यह है, सही है। अब हमारा प्रश्न 3 है, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब हमने जो ये हमारे ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं, विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, इसको पढ़ना है तथा इसमें से सही विकल्प को चुनना है। आइए देखते हैं। प्रश्न तो है, कृपालु शब्द के क वर्ण में कौन सी मात्रा है? तो जो हमारा कृपालु शब्द है उसके क में, क वर्ण में देखिए, यह आपको पहले भी करा चुके हैं कि जो पैर में र की मात्रा लगती है वो कौन सी होती है, ऋ ऋषि की। आइए इसका विकल्प देखते हैं, आ, दूसरा विकल्प है उ, तीसरा विकल्प है ऋ ऋषि। तो इसका सही उत्तर हुआ ऋ ऋषि। इसे पहचानना बहुत ही सरल है, यह एक अपने आप में ही बताता है कि किस प्रकार इस मात्रा को लगाया जाएगा और यह हरेक व्यंजन के पैर में ही उपयोग में आता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न को रुपया शब्द के र में कौन सी मात्रा है? अब रुपया शब्द में यहाँ देखिए, रुपया यहाँ पे आपको पढ़ाया गया था जब हमने पाठ पढ़ा था मात्रा वाला, तो उसमें जो यह मात्रा होती है बड़े उ की मात्रा होती है, इसमें यह र के पीछे रुपया, इस प्रकार से रू, इस प्रकार से शब्दों में प्रयोग में आती है। आइए इसके विकल्प देखते हैं, आ उ या बड़ा उ। तो इसका उत्तर हुआ बड़ा उ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न ग, कौन शब्द के क में कौन सी मात्रा है? तो क शब्द के, कौन शब्द के क में कौन सी मात्रा है? देखिए यहाँ पर वैसे तो यह अपने आप ही समझ में आती है, यह चिन्ह जो होता है बड़ी ओ की मात्रा का होता है। तो देखिए पहला विकल्प है ओ, दूसरा विकल्प है उ और तीसरा विकल्प है बड़ा ओ। तो यहाँ पर जो यह है बड़ा ओ, औ यानी कैसे औ कहते हैं, तो इसका उत्तर है औ। अब इसके बाद जब हमने यह विकल्प वाले प्रश्न कर लिए हैं, तो आइए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, सही वर्ण पर सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यह एक प्रकार का, जिस प्रकार रिक्त स्थान भरते हैं, यह इसी प्रकार का एक प्रश्न है जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं लेकिन वह पूर्ण नहीं है, उसे पूर्ण कैसे करना है, सही मात्रा लगाकर। तो आइए यह शब्द देखते हैं, पहला शब्द है हमारा क, तक या, तो तक या जैसे कि हमें समझ में आ रहा है यह तकिया होगा, तो इसमें जो ई के, ई का जो हमारा स्वर है, जिस प्रकार हम उसे बोल रहे हैं उससे हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी, तो आइए छोटी की मात्रा लगाएं, तो यह क्या बना, तकिया। अब है शब्द ख, क ल आ, तो यह किस प्रकार पूरा होगा, यह एक फ्रूट का नाम है, एक फल का नाम है, तो इसे पूरा करते हैं केला, एक ही मात्रा, छोटी एक ही मात्रा बना केला। आइए अगला देखते हैं, अगला शब्द है हमारा ग, मछल, मछल, तो यहाँ पर जो हमारी मात्रा लगेगी वह है बड़ी की, क्योंकि जो हमारा बोलने का तरीका है ई को वह ज्यादा उच्चारण का समय ले रहा है तथा ज्यादा जोर लगाकर बोलना पड़ रहा है, मछली ई, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा बन गया मछली। घ शब्द है र प या, रपया, तो यह हम पहले भी प्रश्न कर चुके हैं, इसका उत्तर है रुपया। तो इस प्रकार यह है जो हमारा शब्द है वह पूरा हुआ रुपया। अब हमारा प्रश्न 5 है, दी गई मात्राओं से दो दो शब्द लिखिए। अब हमें हर एक मात्रा को लेकर उसका प्रयोग करना है तथा उससे दो दो शब्द बनाने हैं। आइए बनाते हैं। सबसे पहले है ऊ की मात्रा, जो बड़े ऊ की मात्रा होती है वह किस प्रकार
प्रकार बनती है ऐसे। तो आइए हम इसका प्रयोग करते हैं। पहला है फूल। जो फूल शब्द है इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमारा जो दूसरा शब्द है वह है स शब्द बनाते हैं। तो पहला शब्द बनेगा पृथ्वी। पृथ्वी इसमें र की आवाज आती है पृथ्वी। इसके बाद हम दूसरा शब्द जो बनाएंगे वह है कृपालु। कृपालु शब्द। कृपालु शब्द में भी देखते हैं। वह है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा इसी प्रकार से होती है। यह इस प्रकार से चिन्ह बनता है। तो आइए इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसका प्रयोग है वह है पोशाक। पोशाक यानी पहनावा। और इसके अलावा दूसरा शब्द बनाएंगे तोता। तोता क्या होता है? पक्षी होता है। अगला हमारा जो मात्रा है वह है ओ की मात्रा। बड़ी ओ की मात्रा इसका जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार से होता है। और इसका जो हमारा शब्द बनेंगे वह है शब्दों को मात्राओं में प्रयोग करके देखिए। तो बच्चों इसी प्रकार से आपने इन मात्राओं का प्रयोग करना सीखना है। आप इस प्रकार ही शब्दों में मात्राओं का प्रयोग कीजिए, जिससे कि आपकी जो व्याकरण की गलतियां हैं वह बहुत अधिक सुधरेंगी और आपको मात्रा का प्रयोग करना भी आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्रश्न 6। सही मात्रा का सही शब्द से मिलान कीजिए। जो अब हमारी मात्राएं हैं और जो हमारे शब्द हैं इनका हमने मिलान करना है। यह मिलान वाला प्रश्न है। आइए अब मिलान करें। यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ पर मात्राएं दी गई हैं और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। आइए हम इन्हें देखते हैं तथा मिलान करते हैं। सबसे पहले है आ की मात्रा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए और औ। यह है हमारी मात्राएं। और यहाँ पर हमारे शब्द दिए गए हैं पौधा, पेड़, पृथ्वी, पूजा, कार, पीतल, पिता, पापा। आइए मिलान करते हैं। सबसे पहले आ की मात्रा। आ की मात्रा कहाँ प्रयोग की गई है? पापा में। तो इसे मिलाते हैं पापा से। तो आ की मात्रा इस पापा शब्द में प्रयोग की गई है। इस प्रकार छोटी ई की मात्रा। छोटी की मात्रा हमारी इन शब्दों में पिता में प्रयोग की गई है। तो आइए मिलाते हैं पिता। यह छोटी की मात्रा।
मात्रा का प्रयोग इस शब्द में हुआ है, अब बड़ी एक मात्रा। तो यहाँ पर देखिए पीतल, पीतल शब्द में बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है, आइए मिलाते हैं। तो इसी प्रकार से जो छोटा उ है उन्हें इन शब्दों में ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो जो छोटा उ है यह उकार शब्द में प्रयोग किया गया है, जो कि है सामने। इसी प्रकार बड़ा उ, बड़े उ के शब्द है पूजा, क्या है पूजा। जो हमारी अगली मात्रा है री ऋषि की, री ऋषि का जो हमारा शब्द है वह तो संज्ञा विभूत की सरल है, आइए इसे मिलाते हैं पृथ्वी से। इसी प्रकार से अगला जो हमारी मात्रा है वह है ऐ की, वह मिलेगी पेड़ शब्द से। अब हमारा जो आखिरी मात्रा है वह है औ की, वह मिलेगी पौधा। इसी प्रकार बच्चों आपने मात्रा को पहचानना है कि वह शब्द में कहाँ प्रयोग की गई है तथा इस प्रश्न को पूर्ण करना है। तो बच्चों इस पाठ का अभ्यास हमारा पूर्ण हो चुका है, अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इस सभी प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे तथा इसे प्रयोग में लाना सीख जाएंगे, जिससे कि आपकी व्याकरण की जो वर्तनी है वह शुद्ध हो जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों आप इस पाठ को दोहराइए तथा याद कीजिए।